बैठो, कैसी हो बताओ ना। अच्छी हूँ दीदी। स्टाफ खत्म हो गया क्या? नहीं दीदी, मैं खुद छोड़ दूँ ऐसा सोच रही हूँ। ऐसा है क्या? अरे बाप रे, मैं तो अभी भी इसे यूज कर रही थी। ठीक है, मैं इसे यहाँ छोड़ कर जाती हूँ, तुम्हें लगे तो तुम यूज कर लेना, ओके? हेलो, किधर हो? यही पास में ही हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे कब से प्रीति प्रीति कर रहे थे ना, एक बार आकर यहाँ देख लो, वो कुछ बदली बदली सी लग रही है, पता नहीं क्या हुआ उसे। वहाँ अंदर प्रीति का केबिन है, तुम वहाँ अंदर जाओ, चिल्लाए बिना तुम्हें ही संभालना है वहाँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। कौन सा ब्रांड यूज करती हो? ये ट्राई करना है? तुम तो विस्की गुलाम हो गई हो। अरे जो गलती सोच रही थी नहीं होनी चाहिए, वही हो गया। प्यार चला गया, भरोसा चला गया, अभी आखिर में इज्जत भी चली गई। मुझे बदलना है, मुझे रुकना है, मुझे फिर से जिंदगी चाहिए। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे। आज एक इम्पोर्टेंट कस्टमर आने वाला है, तुम्हें ही संभालना है। नहीं दीदी, मैं इधर अब जॉब नहीं करूंगी, ये बोलने के लिए आ रही थी, अब मैं जा रही हूँ। ओह ऐसा है क्या, चले जाना, लेकिन ये कस्टमर
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हारी हेल्प की जब तुम्हें जरूरत थी। अब मेरे लिए एक घंटा रुक जाओ ना, हेल्प कर दो ना, प्लीज प्लीज ना मत कहना। सॉरी दीदी, पहले भी मैं गलती कर चुकी हूँ, अब नहीं करना चाहती। प्रीति एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। ओके दीदी, थैंक्स सिस्टर। ये एक घंटा पार कर दिया तो मेरी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे पिता को कैसे भी करके यहाँ की सारी बात बता दूंगी। इस समाज में मुझे इज्जत से जीना होगा। अब हैप्पी एंडिंग कर दो। करती हूँ सर। यहाँ खड़े हो जाओ। पेपर साहब, सर नाम और बायोडाटा लेकर इन पर केस फाइल करो। ठीक है सर। मूर्ति चार चाय बोल। नाम क्या है? उमा। एज? 29। तेरा? मेघना। एज? 24। क्या हुआ बेटा? नाम क्या है तेरा? मैडम क्या कर रहा है? सॉरी मैम। ले जाके अंदर डालो। चलो चल जा अंदर, चल चलो अंदर। ए, हेलो, उसे उस सेल में डालो। चलो। पूरा एंट्री कर दिया है ना? ओके।
मसाज चाहिए, मसाज चाहिए तुझे? मैडम, मैडम, मसाज चाहिए? अरे क्या करते हो तुम? अरे तुझे मसाज चाहिए था क्या? मसाज चाहिए होता है? तुझे मसाज चाहिए? गलती हो गई होता है? ले, बताती हूँ तुम लोग को, तो मैं बाद में बताती हूँ। मैडम का तो रोमांस स्टार्ट हो गया। अबे तुझे तो, अरे मेरे पास नाटक करती है, तुझे तो मेरे पास नाटक करती है तू? डरो मत। अरे फिर से मैं पूछ रही हूँ, फिर से पूछ रही हूँ, तेरा जिस्म तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉपरेट करना। मैडम, एसीपी साहब का फोन है। अरे तेरी समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा? मैं वापस आती हूँ। कम से कम आप तो ओके बोलो। अरे तू इतना घमंड दिखाती हो, तो ऐसा नहीं मानोगी? हाँ इधर आ, कप लेकर आओ। ओके मैम। एक बार बोलने से नहीं मानती हूँ। ओके बोलोगी कि नहीं? कम से कम अब तो मान जाती हूँ या नहीं? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? तू मारती हूँ या नहीं? मानोगी कि नहीं? जल्दी से मान जा वरना और लगेगी। मैडम, सर का कॉल है। तुझे मैं देखती हूँ ठहरो। अरे हाँ बोल दो वरना मार खाते खाते मर जाऊंगी। हेलो सर, मसाज सेंटर में रेड करने की बात थी ना, उसका क्या हुआ? मैंने कर लिया। पर तुमने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोर्ट में क्या सबमिट करने वाली हो? वो सर मैं करने ही वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ। तुम ये सब कब तक करोगी? बाहर प्रेस वेट कर रही है, तुम उनसे बात करो और फिर तुरंत कोर्ट में सबमिट करो। ओके सर, ओके। अरे उन लोग को बाहर लेकर आओ। हमारी जानकारी के मुताबिक सिटी में एक पोस्ट सेंटर के ऊपर रेड करना पड़ा। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ 20-25 साल की थी। इजी मनी कमाने के लिए मसाज थेरेपिस्ट का नाम करने के लिए स्पा में ज्वाइन हुए थे। सो
तो उन सबको अरेस्ट करके केस को हम फाइल करेंगे। आप उनके नाम बताएंगी मैडम? हमारे रूल्स के मुताबिक उनके नाम नहीं बोलेंगे। इन सब के पीछे कौन है मैडम? अभी इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है। दिस इज अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। इल्लीगल एक्टिविटीज के बारे में आपको कैसे पता चला? वी हैव अ सोर्सेस सो वी कांट रिवील नाउ। क्या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून अपने काम को करेगा। अभी आप इन लड़कियों का क्या करने वाली हैं? ले जाकर कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं। प्लीज दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैडम फिर भी इनके पीछे कौन है? सॉरी है जी, ऑलरेडी आप लोगों को जो मसाज को एक बहाना बनाकर सिर्फ मनी और पैसे के लिए गैर कानूनी काम करने वाले इन महिलाओं को कोर्ट इंसानियत के नाते रिहा करती है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए इस केस से संबंधित अधिकारियों को ये आदेश देता है कि जरूरत पड़ने पर इनका इलाज भी किया जाए। अभी हम क्या करेंगे दीदी? क्या करना है? नाम को चेंज करके किसी और सिटी में बिजनेस को ओपन कर लेना है। नमस्ते साहब। पापा बोलिए। इधर मेरी ड्यूटी लग गई है बेटी, खाना बना कर रखता हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा। ओके बाय। उस लड़की का एड्रेस मिला क्या? यस मैम, मिला है। ओके लेट्स मूव। ओके मैम। अरे हमारे सर पहली बार ऑफिस आ रहे हैं, विश करने के लिए आप आ जाइए। तुम एक्वेरियम में रहने वाली एक छोटी सी मछली हो, समुद्र तक नहीं पहुंच पाओगी। प्रीति को अंदर भेजो। ओके सर। मैडम आपको सर बुला रहे हैं अंदर। सिपी साहब, आप कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन उस मसाज सेंटर के ऊपर आपको रेड करना चाहिए। हेलो सर, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखा? हाँ ओके ओके।